दिनांक 18-19 फरवरी 2022 की बात है। खेड़ा खुरमपुर गांव में दो व्यक्तियों पर फायर किया गया था, जिनको बुलेट इंजरीज थी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उस इन्वेस्टिगेशन में दो लोग हम पहले अरेस्ट कर चुके थे और दो लोग अब रोहित और हैप्पी दोनों को हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने गिरफ्तार किया है। और उसमें जो वारदात में प्रयोग किया गया एक हथियार और 6 कारतूस इनसे हमने बरामद किए हैं। और इसमें जो शामिल हैं, ये जो रोहित है, इस पे एक दर्जन केस पहले के हैं और जो हैप्पी है इस पे भी एक केस पहले से है, क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी रही है। और इसी ग्रुप ने वहाँ पे भी जो अशोक राठी का गांव है उसमें भी वहाँ पे फायरिंग की थी। एक आदमी को जान से मारने की नीयत के लिए वहाँ गए थे ये, और वो आदमी नहीं मिला तो उसके घर पे फायरिंग करके आए थे। तो उस वारदात में भी ये शामिल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के ग्रुप्स का ध्यान रखा जाएगा। क्या कुछ किस तरह के मामले दर्ज हैं सर, उनके क्या कुछ क्राइम हिस्ट्री है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने बताया ये दोनों अलग अलग जगह के एक रहने वाले हैं। ये तो खेड़ा खुरमपुर का ही रहने वाला है रोहित, तो और ये जो हैप्पी है ये घरभरा थाना टप्पल जिला खुर्जा का रहने वाला है। और ये पहले की इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया, एक दर्जन केस एक पे हैं और एक केस एक पे है। ये अशोक राठी जो था बदमाश, जिसकी बाद में हत्या हुई थी, उस ग्रुप के आदमी। किस रंजिश के चलते फायरिंग की थी सर, खेड़ा खुरमपुर? इनकी आपस की रंजिश थी गांव की, और उसको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने ये फायरिंग की थी। मास्टरमाइंड था सर इस केस का? हाँ बिल्कुल, ये उस केस के मेन वो थे फायर करने में। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।